आदेश। मैं चंद्रनाथ अगोदी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अगोदी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं, और ये वीडियो है आप सभी के लिए खुशखबरी, मतलब आपको एक खुशखबरी मैं देने जा रहा हूं। काफ़ी लंबे समय से एक काम पेंडिंग में पड़ा था, और बाबा महाकाल की कृपा से अभी वो काम पूर्ण होने जा रहा है, यानी कि आरंभ होने जा रहा है। तो वीडियो मतलब एक पूरा देखें और लास्ट तक देखें, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो और अभी तक उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र से रिलेटिव हम वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोग तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसी क्या है खुशखबरी जो आप लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों से कि बहुत जल्द आश्रम का निर्माण शुरू होने वाला है, तो आज बाबा महाकाल के आदेश से निर्माण आरंभ होने जा रहा है, लेकिन अभी उसमें 2-4 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि जितनी भी लेबर आ रही है वो सब हमारे मतलब एक शिष्य हैं, और जो कि वो काम करने के लिए आ रहे हैं, यानी कि जो राजमिस्त्री हैं, मिस्त्री चिनाई मकान बनाने वाले, वो सब हमारे YouTube के माध्यम से जुड़े हुए लोग हैं, और वही लोग काम करने के लिए आने वाले हैं। तो 2-4 दिन लग सकते हैं, तो आश्रम का काम आरंभ होने जा रहा है बाबा महाकाल की कृपा से और माँ भगवती के आदेश से और आप लोगों की सपोर्ट से। तो कहने का मतलब, इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य यह है कि जैसे मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि ये जो आश्रम बनना है ये आप लोगों का है, और आप लोगों के लिए मैं आश्रम का निर्माण कर रहा हूँ, ताकि भविष्य में जो लोग कहते हैं कि हम सिटी में रहते हैं और हमारे पास व्यवस्था नहीं है साधना करने की, तो शिव शक्ति साधना केंद्र का आश्रम, यानी कि शिव शक्ति साधना केंद्र जो है, जो आश्रम निर्माण होने जा रहा है, वो आपके लिए सदैव उसके जो दरवाजे हैं वो खुले रहेंगे। आप कभी भी आ सकते हैं 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए और आश्रम में रह के साधना कर सकते हैं। जिसका कोई भी मतलब है कि अगर आप आके साधना करना चाहते हैं वहाँ पे, तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जो कि निःशुल्क होगा। लेकिन हाँ, हम जब भी समय समय पे सानिध्य शिविर लगाएंगे उसी का शुल्क आपको देना होगा। तो कहने का मतलब है कि ये आश्रम जो बनेगा, मैंने जगह की व्यवस्था कर ली है, जगह खरीदी है आश्रम के लिए, आश्रम के लिए जो जगह है यानी कि जो ज़मीन है वो खरीदी है, और ये उत्तराखंड बॉर्डर पे बनने जा रहा है, कि जो कि बहुत ही बेहतरीन जगह है और ऑन द वे यानी कि ऑन हाईवे है। कभी भी 24 घंटे आप आ सकते हैं और वहाँ स्टे कर सकते हैं आश्रम में, क्योंकि आश्रम हमारा नहीं है, आपका है। और हम किसके लिए बना रहे हैं? आप लोगों के लिए। वो बनवा कौन रहा है? आप लोग, क्योंकि आप लोग शिव शक्ति साधना केंद्र परिवार के हिस्सा हैं, ठीक है। और एक बात और मैं कहने जा रहा हूँ कि ये आश्रम मैं नहीं बना रहा हूँ, और ना ही मेरी इतनी हैसियत है कि मैं इस आश्रम को इस बड़े लेवल पे बना सकूँ, क्योंकि जो मैंने मेरी सेविंग थी, जो भी मतलब उसकी जगह खरीद ली है। अभी ये आश्रम जो बनेगा, ये बनेगा आप लोगों की सपोर्ट से, और आप लोगों की ही सपोर्ट से बनेगा। जो लोग दान देना चाहते हैं आश्रम निर्माण में और शिव शक्ति परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और दान कीजिए, ताकि आश्रम का कार्य रुक ना पाए। एक बार शुरू हो जाए तो जल्दी से जल्दी आश्रम का निर्माण हो जाए, और होने के साथ साथ जल्दी से जल्दी आश्रम में फिर एक के बाद एक सानिध्य शिविर का आयोजन किया जाए, और आप लोगों को बुलाया जाए भारी मात्रा में, और फिर गद्दी भी लगाई जाएगी तंत्र काट के लिए, जो कि निःशुल्क होगा, केवल सामग्री का ही पैसा लिया जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम 100, 200, 500 आदमियों को रोक सकें। हमारे पास व्यवस्था केवल 40-50 लोगों को रोकने की है, लेकिन अभी जो बन रहा है ना, 1000 व्यक्ति भी आ जाएं, कितने 1000 आ जाएं,
और 5,000 भी आ जाएं तो सबको वहाँ पे रोका जा सकता है। आश्रम इतनी बड़े लेबल यानी कि जगह में बन रहा है। तो कहने का मतलब है, काफ़ी मैंने जो वीडियो बनाई थी पहले आश्रम के लिए कि आश्रम निर्माण होने जा रहा है, कौन कौन दान देना चाहता है, क्योंकि बिना आप लोगों की सपोर्ट के नहीं बन सकता। बाबा महाकाल ने आदेश कर दिया है, जितना मुझसे होगा मैं करूँगा। और अभी देखना यह है कि कौन कौन दान देते हैं और किस लेवल तक देते हैं, कितना कितना देते हैं। जो भी व्यक्ति शिव शक्ति साधना केंद्र आश्रम में यानी कि जो आश्रम बनने जा रहा है उसमें अगर आप दान देंगे, वाकायदे आपकी एंट्री होगी, कुछ ना कुछ आपको आश्रम की तरफ से मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी बात कि मुझसे मिलने का और अपनी समस्या रखने का निःशुल्क कोई चार्ज नहीं होगा। आप मुझसे मिल सकते हैं, मिलने के साथ साथ मतलब अपनी समस्या रख सकते हैं, उसका समाधान भी पा सकते हैं, ठीक है। और जो भी व्यक्ति दान देगा उसका आधार कार्ड हमें चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए, बाकायदे उसकी एंट्री होगी। और हमने एक लिस्ट भी जारी की है कि कोई मतलब उन लोगों के लिए जो मतलब एक बड़े लेवल पे दान देना चाहते हैं तो उनको संस्था की तरफ से क्या क्या प्राप्त होगा, तो वो सारी लिस्ट आपको वीडियो के माध्यम से यानी कि आने वाले वीडियो में हम बता देंगे कि शिव शक्ति साधना केंद्र में अगर आप इतना दान देते हैं आश्रम निर्माण में तो आपको क्या प्राप्त होगा। सारी लिस्ट तैयार हो चुकी है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब है, बहुत सारे लोगों ने हमसे बोला था कि गुरुजी मैं इतना दूंगा, गुरुजी मैं इतना दूंगा, मैं गुरुजी इतना दूंगा। काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल करके बोला गुरुजी हम दान देना चाहते हैं, हम दें। तो मैंने उन लोगों से मना कर दिया था कि मुझे अभी कोई दान नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ले लिया तो वो खर्च हो जाएगा, क्योंकि पैसे के पैर होते हैं, धन चलता है। तो मैंने बोला भाई अभी मत दो, अभी आप 2,000 या 10,000 दे रहे हो तो हर महीने 500 रुपये आश्रम के लिए निकाल के रखिए आप, ताकि आप इकट्ठा करके जब हमें आश्रम निर्माण करें तो इकट्ठा करके आप थोड़ा बड़े लेवल पे यानी कि बड़ा अमाउंट हमें दे सकें, ताकि निर्माण में हमें सहूलियत हो जाए और निर्माण जल्दी से हो जाए। क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन यानी कि मकान बनाना या जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करना बहुत ही महंगा हो चुका है, क्योंकि हर चीज़ पे महंगाई हो गई है। अगर कोई सज्जन ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि भाई मैं आश्रम में मैं सीमेंट दान करना चाहता हूँ जितना भी लगेगा, तो आइए वेलकम है आपका। कोई कहे कि मैं सरिया दान करना चाहता हूँ तो आइए वेलकम है। कोई कहता है कि मैं गिट्टी यानी कि बजरी बजरफुट दान करना चाहता हूँ तो आइए वेलकम है। जो इस तरीके का बेड़ा उठाना चाहते हैं, या मैं ईंट दान करना चाहता हूँ जितनी भी लगेगी, तो आइए महाराज आपका वेलकम है। और संस्था की तरफ से शिव शक्ति साधना केंद्र कुछ ना कुछ ऐसा प्राप्त होगा, मतलब ये कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास केवल ज्ञान है और हम आपको ज्ञान ही दे सकते हैं। धन दौलत तो बाबा महाकाल की कृपा से जब आप परमात्मा की शरण में आएंगे तो हर चीज़ प्राप्त हो ही जाएगी, ठीक है। और कुछ लोग अभी वीडियो में गलत कमेंट ये भी करने वाले कि आप पैसा मांग रहे हैं, एक रुपया मत दीजिए। अगर मैं मांग रहा हूँ, मैं मांग नहीं रहा हूँ भाई, अगर आप देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, मैं किसके लिए बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं इतना पैसा खर्च करूँ, जो मेरी सेविंग थी वो भी मैंने लगा दी, ठीक है। लेकिन हर तरीके के लोग होते हैं, सही और मतलब हिटर भी होते हैं, जब हमारे प्रशंसक होते हैं तो हिटर भी होते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ऐसे लोग दूर रहें, और जो भी जितना जिससे बन सके, जो जिस लेवल परमात्मा ने जिसको जिस काबिल किया है और जिस काबिल बनाया है, तो वो उस हिसाब से अपना दान कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप 10,000 का, 50,000 का, लाख, 2 लाख का कीजिए। अगर आप 500 रुपये का भी करेंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 1 लाख लोग जुड़ने हैं हमसे, जुड़ने वाले हैं, या 95,000 लोग जुड़ चुके हैं हमसे। अगर वो लोग, इतने लोग अगर इतने में से अगर 1,000 लोग ही दान दे देना, तो आश्रम यूं बन के खड़ा हो जाएगा, चुटकियों में पता भी नहीं चलेगा, हवा भी नहीं लगेगी, ना मुझे और ना आपको, किसी की जेब पे लोड भी नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शिव शक्ति साधना केंद्र एक ऐसा मात्र
मेरा कहने का मतलब है कि मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं ये जो मुहिम छेड़ रहा हूँ ना, ये आने वाले टाइम में शिव शक्ति साधना केंद्र बहुत बड़ा होने वाला है, विकसित होने वाला है। और मेरा तो उद्देश्य ये है कि शिव शक्ति साधना केंद्र का हर स्टेट में एक ना एक आश्रम होना चाहिए। अब वो कैसे होगा, वो परमात्मा की मर्जी से होगा, आप लोगों की सपोर्ट से होगा। कि मैं जो ये आश्रम बना रहा हूँ ना, साधना केंद्र, यानी कि यहाँ पे लोगों को आध्यात्मिक तंत्र लाइन से जोड़ा जाएगा, आध्यात्मिक क्षेत्र से जोड़ा जाएगा, उनको साधनाएं कराई जाएंगी। तो मेरा मानना है कि शिव शक्ति साधना केंद्र एकमात्र ऐसा स्थान होगा पूरे भारत में जहाँ पे तंत्र साधनाएं कराई जाएंगी, वो भी विथ लाइसेंस, विथ रजिस्ट्रेशन, सब कुछ। और इसे हम बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, और ये जाएगा आप लोगों की सपोर्ट से। तो जैसे मैंने बोला, कोई सीमेंट दान करना चाहता है कि सीमेंट का पूरा भार अपने पर लेना चाहता है कि मैं सीमेंट दे दूंगा, या वो कहे कि मैं इतना सीमेंट दे सकता हूँ, वो कहे कि मैं इतना बजरफुट यानी बालू दे सकता हूँ, गिट्टी वगैरह, कोई कहे मैं इतनी ईंट दान दे सकता हूँ, इतनी ईंट का मैं ये कर सकता हूँ, कोई कहे मतलब जो भी A to Z, जो कंट्रेक्शन, कोई कहे सरिया मैं इतना दे सकता हूँ क्योंकि बड़ा महंगाई का दौर हो चुका है। जब मैंने ये संस्था बनाई थी तो उस टाइम सरिया जो था केवल 3,000, मतलब 4,000 के आसपास था, और ईंट थी 3,000 को। आज ईंट 6,000, 6,500 है, सरिया है 6,500, यानी डबल हो चुका है। तो बहुत मोटा पैसा, यानी कि काफ़ी मोटी रकम लगने वाली है आश्रम में। तो बस यह है कि मैं जो मुहिम छेड़ रहा हूँ ये रुक ना जाए, पर बाबा महाकाल ऐसी कृपा करें कि आपको अपार धन दे और आप आश्रम में दान करें। काफ़ी लोगों ने मतलब एक मुझे, मैंने जब वीडियो बनाई थी तो काफ़ी कमेंट आए थे, गुरु जी मैं इतना दूंगा इतना दूंगा, और उन्होंने कॉल भी करी थी। तो मैंने मना कर दिया था कि मुझे अभी नहीं चाहिए, जब आश्रम की वीडियो आ जाए कि आश्रम अब बनने जा रहा है, मैं सब कुछ A to Z सब कुछ दिखाऊंगा आपको, कब शुरू होने वाला है, पूजन कब होगा, कब बुनियाद नींव खोदी जाएगी यानी बुनियाद खोदी जाएगी, कब उसमें ईंटा रखा जाएगा, सब कुछ आपको लाइव दिखाने वाला हूं। और जो चाहता है कि मैं आश्रम में आके सेवा करना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं कुछ दिन, तो वो भी आ सकता है, लेकिन आए तो सही उद्देश्य से, गलत उद्देश्य से नहीं आए, क्योंकि हमारे पास कोई भी गलत काम नहीं किया जाता है, किसी की मतलब किसी को कष्ट नहीं दिया जाता है। तंत्र के बल पे हम केवल भला कर सकते हैं, भलाई का काम कर सकते हैं, जो कि जन कल्याण के उद्देश्य से, ना कि किसी का बुरा करने के लिए। हमें अगर आप इस लालच से पैसा देते हैं कि दान देते हैं कि गुरु जी को मैं दान दूंगा तो गुरु जी से मैं अपना ये काम कराऊंगा, गलत काम, तो वो 1 रुपया नहीं चाहिए हमें आपका इस उद्देश्य से। और अगर आपके मन में ये भावना है और इस भावना को लेके आप दान देते हैं, तो हमें 1 रुपया नहीं चाहिए आपसे। तो जो भी दान देना चाहते हैं वो आज से ही दान दे सकते हैं। जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो जाएगी YouTube पे, उसी दिन से आप दान देना आरंभ कर सकते हैं। आधार कार्ड, एक फोटो अपना आपको देना होगा, बाकायदे आपकी एंट्री होगी, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने दान दे भी दिया है, ना कहते कहते भी मुझे लगता है कि 1.5 से 2 लाख रुपए का दान आ चुका है। अभी एक जो हमारे शिष्य हैं उन्होंने 51,000 रुपये का चेक हमें दिया है, और हमारे शिष्य हैं जिन्होंने 2 लाख रुपए दिए हैं, मतलब वादा किया है, वो जब चाहो जब आ जाएंगे मेरी जेब में समझो। और किसी ने, एक व्यक्ति और हैं उनका नाम में रजिस्टर में एंट्री है, उन्होंने 31,000 रुपये का दान दिया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल चुके हैं, मुझे लगता है कि यार हवा नहीं लगेगी, मुझे तो लगता है कि बाबा महाकाल की कृपा से जितने लोगों ने बोला है ना, अगर इतने लोगों ने दान दे दिया कि मैं इतना ये कर दूंगा, और मैं बस कुछ लोग ऐसे निकल के आ जाएं कि भाई सीमेंट का मेरा हो गया, सरिया मेरा हो गया, जितना भी लगे बस, तो काम बेड़ा पार, आश्रम निर्माण सक्सेस। और उसके बाद में तुरंत मैं सिविल लगाऊंगा, जिसका शुल्क बिल्कुल ना के बराबर होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जो मैं लिस्ट जारी करने वाला हूं, वो लिस्ट अगर आप इस लेवल का दान देते हैं तो आपको संस्था से क्या प्राप्त होगा, आश्रम से क्या प्राप्त होगा, वो लिस्ट मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है।
तो जो भी देना चाहते हैं, जब से ये वीडियो अपलोड हो जाए यूट्यूब पे, उसी दिन से आप दान दे सकते हैं और शिव शक्ति साधना केंद्र यानी परिवार का एक हिस्सा बन सकते हैं और शिव शक्ति परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपके दान से अगर एक ईंट भी आश्रम में लगी तो आप शिव शक्ति परिवार के हिस्सा बन गए, समझिए। ठीक है, बाकी तो सब बाबा महाकाल की कृपा है। आप और मैं क्या होते हैं, जब तक उनका आदेश नहीं होगा जब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज मैं ये वीडियो काफ़ी खुश हूँ, मैं उत्साहित हूँ कि काफ़ी लंबे समय से जो कि 1.5-2 साल से हमारा काम अटका था, बाबा महाकाल की कृपा से आज वो पूरा हो रहा है। और पूरा होने के साथ साथ बहुत जल्दी मैं निर्माण कराने जा रहा हूँ और हर चीज़ की अपडेट आपको देता रहूँगा। इस बीच में थोड़ा बिजी भी हो सकता हूँ, तो अगर कभी कॉल ना उठे तो प्लीज़ नाराज मत होइएगा। लेकिन हाँ, ये है कि मैं बिजी इतना कोशिश करूँगा कि मैं बिजी नहीं हूँ, सारा काम मतलब एक पूरा प्लानिंग के तौर पे मैं करूँगा ताकि मुझ पे लोड ना पड़े। सबको एक एक विभाग मैं दे दूँगा, काफ़ी हमारे शिष्य हैं जो आके यहाँ सेवा करना चाहते हैं और उनको बुलाया जाएगा। तो जो भी देना चाहते हैं वो आज से ही दे सकते हैं, यानी कि अभी से आज से ही दे सकते हैं। और जो देना चाहते हैं कि मैं भी दूं तो वो कुछ टाइम बाद दे सकते हैं, क्योंकि ये निर्माण कार्य आपका बहुत लंबा चलने वाला है, इसमें कम से कम 6 महीने 1 साल का समय भी लग सकता है। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं इसको 3 महीने में बना के खड़ा कर दूं ताकि आगामी शिविर जल्दी से जल्दी लगे। और आपको मतलब ऐसी जगह आश्रम बना रहा हूँ ना, ऐसी जगह ऑन द वे, किसी चीज़ की परेशानी नहीं, चारों तरफ हरियाली, ऑन द हाईवे पे है और चारों तरफ हरियाली, एकांतवास, वहाँ पे कोई वातावरण मतलब कोई प्रदूषण या कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। और इतनी जगह है ना कि आप लोग बड़ी फ्रीडम के साथ बड़े अच्छे से साधना कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। और नहीं क्या, मैं जो गाइडलाइन और जो जो मैंने लिस्ट बनाई है उस वीडियो के साथ मिलूंगा। तो जो भी दान देना चाहता है जल्दी से जल्दी दान दें ताकि जल्दी से जल्दी मैं काम आरंभ करा सकूं, क्योंकि अभी केवल लेबर आने का वेट है। लेबर जैसे ही आ जाएगी वैसे ही मैं काम जुड़वा दूंगा और नेम खुदवा दूंगा। ठीक है, केवल बारिश जाने का इंतजार था लेकिन बारिश हो नहीं रही है, तो सोच रहे हैं कि चलिए बारिश तो होती रहेगी, काम भी आरंभ कर दें, क्योंकि जितना भी समय जा रहा है वो लेट हो रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी और कौन कौन दान देना चाहता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, आदेश। और जो दान देना चाहता है संस्था के नंबर पर कॉल कर ले प्लीज़, नंबर है 9639857509, जो कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है, बीच में 1 घंटे का लंच रहता है। कभी कॉल नहीं उठते तो आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, और दान अगर जो भी दान देना चाहता है, एक बार और बता दूं, वो तो मैं बताना भूल ही गया, जो भी दान देना चाहता है इसी नंबर पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सब कुछ चालू है। वीडियो के डिस्कशन में आपको संस्था का अकाउंट नंबर मिलेगा शिव शक्ति साधना केंद्र का, आप उस पे पे कर सकते हैं, ऑनलाइन पे कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा पे कर सकते हैं, लेकिन करिए क्योंकि निर्माण होने में बहुत पैसा लगने वाला है। ठीक है, बातों से काम नहीं होता, काम काम के तरीके से होता है, पैसे से होता है, धन से। बाकी जय श्री महाकाल।